हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। ये है यहाँ पे चैप्टर 2.2 थ्रोन ब्रेकर डिफिकल्टी सेकंड अकाउंट से। अब हमें यहाँ पे 2.2 से लड़ना है, जहाँ पे हमारी बॉस फाइट होने वाली है, क्या नाम है इसका, वल्चर के साथ में। यहाँ पे हमें स्किल की अटैकर की टीम लेके जानी है और मिस्टिक मैं बॉस के लिए लेके जा रहा हूँ। लोकल नोड क्या होने वाले हैं, बॉस पे नोड क्या होने वाले हैं, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। पे नोड क्या लगा, देखो हमें ना डिबफ्स मिलते रहेंगे, उन डिबफ्स को प्यूरिफाई करना है तो जाके हमें फ्यूरी मिलेगी। अब वो प्यूरिफाई कैसे करना है, जब भी हम 5 क्रिटिकल हिट देंगे तो एक डिबफ को प्यूरिफाई करेंगे। जैसे जैसे क्रिटिकल हिट देते जाएंगे वैसे वैसे हम डिबफ्स को प्यूरिफाई करेंगे और वैसे वैसे हमें फ्यूरी मिलेगा। जगरनॉट वाले पाथ में एक एक्स्ट्रा नोड लगाया, ये है कि अगर आप पैरी करते हो 5 सेकंड के अंदर अगर आपने दूसरा पैरी कर दिया तो आपको फॉल्टर मिलेगा। ये नोड लगा हुआ है जगरनॉट वाले पाथ पे। स्कारलेट वाले पाथ पे एक एक्स्ट्रा नोड क्या लगा है कि ईच टाइम द अटैकर इज इन्फेक्टेड विद नॉन डैमेजिंग डिफेंडर। ओके, जब भी हमें कोई डिबफ लगेगा नॉन डैमेजिंग तो उसे फ्यूरी मिलेगा 6 सेकंड के लिए, जो कि उसके आर्म अटैक रेटिंग बढ़ा देगा। रॉन वाला पाथ बेसिक है। शॉकर वाले पाथ पे अब क्या है कि हमें यहाँ पे अपना रैलिक का यूज करना होगा, तभी हमारा पावर गेन होगा, वरना नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या होने वाला फिलहाल तो हमें। और हाँ, बॉस के नोट्स तो आपको लोगों को बताए नहीं। बॉस जब भी इस पे अपना स्पेशल अटैक खत्म करेगा इसे आर्मर अप मिलेगा। आर्मर अप अगर होगा ये तो ये अनब्लॉकेबल ही रहेगा पूरी फाइट में। आर्मर ब्रेक आप कर नहीं सकते हो, लेकिन आप इंटरसेप्ट कर सकते हो इसकी। वैसे ये नलिफाई इम्यून भी है, स्टैगर इम्यून भी है, लेकिन अगर आप इसको इंटरसेप्ट करते हो तो इसकी इम्यूनिटी को आप 15 सेकंड के लिए डाउन कर लोगे, लेकिन आर्मर ब्रेक फिर भी नहीं होगा, सिर्फ इम्यून नलिफाई इम्यून नहीं रहेगा ये। और जब भी अपने स्पेशल अटैक छोड़ेगा तो हम रूटेड रहेंगे और हर 15 सेकंड में इसे पावर गेन मिलेगा, जो कि इसकी पावर बढ़ाएगा 15%। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली फाइट हमारी शॉकर के साथ है। यहाँ पे मैं पाथ के लिए डेडली ओरिजिन लेके आया हूँ, निक फ्यूरी लेके आया हूँ और शांची लेके आया हूँ। वैसे काम तो सिर्फ निक फ्यूरी आने वाला है, क्योंकि डेडली ओरिजिन में वो नहीं लगा यार, रैलिक नहीं लगा के आया हूँ। दैट्स वाई अब मैं डेडली ओरिजिन का इस्तेमाल नहीं करने वाला, इसलिए मैं निक फ्यूरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। बाकी बॉस के लिए मैं ब्लैक विडो क्लेयर वॉइंट लेके आया हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक काम आएगा। देखो 4 क्रिटिकल हिट दे चुका हूँ मैं इसको, अब 5वां दूंगा तो ही यहाँ पे फ्यूरी मिलेगा। देखो एक डिबफ को प्यूरीफाई कर लिया और अरे ये तो मैं भूल गया था। ओके ओके, 3 हमारे पास 3 फ्यूरी है ना। ऑटो ब्लॉक करेगा, मुझे पता था, मुझे स्पेशल 3 ठोकना चाहिए इसको। ओके नो प्रॉब्लम, मार पड़ रही है, नो प्रॉब्लम, और क्या बोलूं। ओके एंड स्पेशल लॉक हो चुका है एंड डन। चलो नेक्स्ट फाइट पे चले। इस पाथ पे निक फ्यूरी का इस्तेमाल करने वाला हूं, क्योंकि निक फ्यूरी अगर मरता भी है तो भी मरते मरते 20% अटैक रेटिंग ये हीरो चैंपियंस की बढ़ा के जाएगा पूरी टीम में, इसलिए मैं निक फ्यूरी का ही इस्तेमाल करने वाला हूं, ताकि मरे तो यही मरे और दूसरा ना मर पाए। फिलहाल यहां पे हमने जो है वो इसको 3 फ्यूरी आ चुकी है अपने पे। बाकी मैं इसका स्पेशल 2 वेस्ट करवाना चाहता हूँ, हो नहीं रहा है, जिद्दी हो चुका है बंदा। हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने अपना रैलिक भी छोड़ दिया, काफ़ी हाई डैमेज प्रोवाइड किया है हमारे रैलिक ने, ये दिया स्पेशल 2 एंड गेम ओवर। चलो नेक्स्ट फाइट पे चले, जो कि पता नहीं किसके साथ है। ओके गाइस, देखो जो निक फ्यूरी है वो ऑलरेडी सेकंड लाइफ में आ चुका है, इसका मतलब ये है कि डैमेज जो है वो डबल होने वाला है अब हमारा। एंड एक और अच्छी चीज़ ये है कि अगर मरता भी है तो भी 20% अटैक रेटिंग बढ़ा देगा बाकी चैंपियंस की। यहाँ पे हमने रैलिक का इस्तेमाल किया, रैलिक बहुत हाई डैमेज प्रोवाइड कर रहा है हमें, जो कि अच्छी बात है, जितना हाई डैमेज उतना अच्छा ब्लीड का डैमेज। ये फाइट है आयरन मैन के साथ में। अब गाइस, किसी को कोई भी कंप्लीशन करवाना है आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग मुझे कांटेक्ट करो। कोई भी एक्ट कंप्लीट करवाना है, इनकर्शन कंप्लीट करवाना है, स्प्रिंग ऑफ सौरो कंप्लीट करवाना है, एक्स मैजिक का शोकेस कंप्लीट करवाना है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट डिटेल मैंने दे रखी है, आप लोग देख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं स्पेशल 3 पे तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा स्पेशल लॉक हो चुका है। जब तक
हम प्यूरिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ काम बनेगा नहीं। साला एक तो क्रिटिकल हिट आ भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ आर्मर ब्रेक मेरे को तो नहीं लगता यार। ओके मरने वाला है ऐसे तो। ओके डन, नेक्स्ट फाइट पे चले। तो फाइट है ओमेगा सेंटिनल से। अब देखो ये ना आर्म ऑटो ब्लॉक करती है, तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपना एक स्पेशल वन छोड़ना है ताकि ताकि हम इसका ऑटो ब्लॉक जो है ना वो फेल कर पाए। अब यहाँ पे ऑटो ब्लॉक हम फेल कर पाएंगे नहीं यार, मेरे को तो चार्जेस मिले ही नहीं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बट ठीक है कोई नहीं। ओके चार आर्मर है ना इस पे। ओके ठीक है, आठ हमें चार्ज मिल चुके हैं, इसका मतलब हम ऑटो ब्लॉक इसका फेल कर सकते हैं, तो हम बेसिक हिट्स पे जा सकते हैं वापस से, पूरा एक कॉम्बो बना सकते हैं। अब अगली फाइट पे चलते हैं। तो ये जो फाइट है वो है वेनम के साथ में। अब देखो यार हमें इसे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि वेनम पे ट्रू एक्यूरेसी कुछ ऐसा करके कुछ आया है, रुको एक सेकंड, ये आई वाला क्या, ट्रू स्ट्राइक आया है, जिसका मतलब ये हो गया कि इसके सारे के सारे स्पेशल्स जो होंगे वो अनब्लॉकेबल होंगे। और ये ट्रू स्ट्राइक कब आता है, जब आपकी हेल्थ या डिफेंडर की हेल्थ 18% से डाउन होगी, देन ये ट्रू स्ट्राइक आता है। एंड मैंने इसको स्पेशल टू पे पुश कर दिया, गलती से नहीं हुआ, शुक्र है, वरना स्पेशल टू डेक्स कर तो लेते हैं बंदे, लेकिन टाइम लगता है यार उसमें। ओके इसी के साथ पाथ फाइट्स खत्म होती है, अब हमारी बॉस फाइट है। तो बॉस फाइट पे हमें यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि पहले तो इसका वो करे, क्या बोले, इंटरसेप्ट करे। दूसरी बात ये है कि इंटरसेप्ट करते करते हमें फिर इसका नलीफाई भी करना है, और फिर जाके ये अनब्लॉकेबल हटेगा, वरना ये पूरी फाइट में अनब्लॉकेबल ही रहेगा। ओके देखो स्टैगर भी नहीं लगा सके हम, क्यों, क्योंकि हमने इसको इंटरसेप्ट नहीं खेला है। ओहो और एक और चीज है ना, जब भी अपना स्पेशल यूज करेगा हम रूटेड हो जाएंगे, तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। बट ये स्पेशल ओके ठीक है, आहा चलो यहां पे हम इसको स्टैगर तो लगा लिया, अब इंटरसेप्ट करके हमने स्टैगर इम्यून तो कर दिया इसको, लेकिन दिक्कत की बात यह है ये डाला, अरे नहीं यार शिट मैन, ओहो ओके लेट्स ट्राई अगेन। ओके फाइट मुश्किल है, निक फ्यूरी से ट्राई करते हैं, हमें क्या करना है, हमें इंटरसेप्ट खेलना है। ओके और कोशिश ये करूंगा कि बार बार इसको स्पेशल वन ही थ्रो करवाऊं। ओके निक फ्यूरी की सेकंड लाइफ की हेल्थ ज्यादा है, पता नहीं अटक क्यों गया, साले मैंने डेक्स किया तो था, तो प्रॉब्लम शांची है, तो हम निपटा लेंगे इसको, रोटेशन मारना है हमको बस। ओके ओके नाइस 20%। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी, मेरे को स्पेशल ये ना, गलती तो कर दी मैंने अच्छी वाली, वही बोल रहा ना, गलती कर दी, मेरे को स्पेशल टू पे इसको पुश नहीं करना चाहिए, पहली बार हो रहा है, पहली बार फाइट हो रही है इस पाथ पे, तो समझ नहीं आ रहा कौन सा अच्छा चैंपियन, कौन सा अच्छा वो रहेगा इसको। अरे बेटे मुझे सबसे पहले इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, स्पेशल वन पे ही ट्रिगर करो इसको, क्योंकि स्पेशल वन टैक्स करना इजी है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी। ओके चलो डन, ये फाइट होगी डन वैसे। ओके गाइज यहाँ पे हमने चैप्टर 2.2 भी बहुत इजी तरीके से कर लिया है, जल्दी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।